इस बार खास होगी अल्मोड़ा की रामलीला, टूटेगी 160 साल पुरानी परंपरा, होगी एक नई शुरुआत। रामलीला का मंचन करेंगी महिलाएं। रामलीला इस शब्द का जिक्र आते ही मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम की छवि, सीता का हरण, रावण का अट्टहास और गदाधारी हनुमान की लंका दहन मन में कौंध उठते हैं। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन नवरात्रि और दशहरा के मौके पर होने वाली रामलीला का साल भर आज भी इंतजार रहता है। ऐसी ही कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा में होने वाली रामलीला है। यहां रामलीला की शुरुआत हुए लगभग 160 साल हो गए हैं। इस दौरान रामलीला मंचन में कई बदलाव देखे गए हैं। कभी वो समय भी था जब रामलीला के सारे पात्रों का अभिनय पुरुष ही किया करते थे। फिर 90 के दशक से लड़कियों की हिस्सेदारी भी बढ़ी और अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब रामलीला का हर किरदार एक महिला निभाएगी। इस साल अल्मोड़ा में होने वाले ऐतिहासिक रामलीला में दकियानूसी और पितृसत्तात्मक सोच को ठेंगा दिखाकर पहली बार सभी किरदारों का मंचन महिलाएं करेंगी। 160 साल पुरानी इस रामलीला के माध्यम से समाज को नया संदेश दिए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी परिणति रामलीला में महिलाओं की भागीदारी है। इसके जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अपने इस नए किरदार को लेकर यहाँ की महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं। वो दिन रात जी जान से अपनी इस नई पारी की तैयारियों में जुटी हुई हैं। सर, अल्मोड़ा का इतिहास रहा एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में, कई वर्षों से रामलीलाएं होती आई हैं, लेकिन ये पहला और अनूठा प्रयास किया गया है कि सारे जो किरदार हैं वो महिलाएं निभाएंगी। इसमें सर राक्षसों के किरदार भी महिलाएं निभा रही हैं, क्योंकि पहले से राम लक्ष्मण सीता तो बनते ही थी महिलाएं, लेकिन आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत ये कार्यक्रम को एक नया रूप देने का प्रयास किया है कि टोटल जितने भी आपके रोल प्ले हैं वो सारी महिलाएं ही करेंगी। इस प्रयास के लिए अल्मोड़ा एक ऐतिहासिक क्षण का भागीदार होगा कि वो महिलाओं द्वारा जो पूरे किरदार निभाए जाएंगे। सर, पर हमारी जो रामला है ये 3 दिवसीय महिला रामला है, तो जिसमें मैं भगवान श्री राम का किरदार निभा रही हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे भगवान श्री राम का किरदार निभाने का मौका मिला। और ऐसा उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है कि कहीं मतलब महिलाओं की रामला हो रही है, जिसमें सारे पात्र राक्षस से लेके रावण और सीता लक्ष्मण तो वैसे भी यहाँ महिलाएँ बनती है, पर जितने भी राक्षस हैं और सभी कुछ महिलाएं निभा रही हैं। नाथ शंभु धनु भाने हारा। बता दें, कर्नाटक खुला रामलीला कमेटी ने इसकी नेक पहल की है। इस बार रामलीला का मंचन सिर्फ 3 दिन ही किया जाएगा। 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस रामलीला में राम से लेकर रावण तक के सभी किरदारों में महिलाएं ही नजर आएंगी, जो अपने आप में खास होने वाला है। अल्मोड़ा से ललित भट्ट की रिपोर्ट।